गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपराधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। अपराध क्या है? ऐसे नियम जो जघन्य अपराधों को रोकने के लिए बने हैं का उल्लंघन अपराध कहलाता है। अपराधी कई प्रकार के होते हैं। एक तो निम्न वर्गीय अपराधी जो चोरी डकैती इत्यादि करते हैं। इन अपराधियों में एक अपराधी ऐसे हैं जो अपराध तो करते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, उन्हें कहते हैं श्वेत वसन अपराधी या व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। जैसे नेता है, प्रशासन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी है, सेक्रेटरीट के अधिकारी है, विश्वविद्यालय का चेयरमैन है या वाइस चांसलर है, तो इनके द्वारा जो किए गए अपराध है, ये अपराध विशेष करके जो है लाभ कमाने के लिए करते हैं, तो ऐसे अपराधियों को व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कहा जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे अपराधों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले लेते हैं हम सदरलैंड का वर्गीकरण। सदरलैंड ने दो प्रकार के अपराधी बताए हैं। सबसे पहला साधारण अपराध, जैसे चोरी करना, चैन लूटना, मारपीट करना, ये साधारण अपराध कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के अपराध बताए हैं जघन्य अपराध, ऐसे अपराध जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण, राजद्रोह, तोड़फोड़ आदि शामिल हो, ऐसे अपराधों को जघन्य अपराध कहते हैं। इसके बाद आता है पीनाड और पीने का वर्गीकरण। सबसे पहला हिंसात्मक अपराध, ऐसे अपराध जिसमें हिंसा होती हो, जैसे मारपीट है, कत्लेआम है, इस प्रकार के अपराध जो है वो हिंसात्मक अपराध कहलाते हैं। दूसरे अपराध संपत्ति संबंधी अपराध, जैसे किसी के मकान पर कब्जा कर लेना या मकान खाली नहीं करना या आयकर चोरी करना या बिक्री का चोरी करना आदि अपराध जो है वो संपत्ति संबंधित अपराध कहलाते हैं। तीसरा व्यावसायिक अपराध, व्यावसायिक अपराध में से ज्यादा लाभ कमाना और अपनी आय को कम दर्शाना, इस प्रकार के अपराध जो है वो व्यावसायिक अपराध कहलाते हैं। चौथा है राजनीतिक अपराध, सत्ता को प्राप्त करने के लिए पद पेटियों में बदलाव, फर्जी वोट देना या दूसरे पक्ष के व्यक्ति को बैठाने के लिए बल का प्रयोग करना, इस प्रकार के अपराध राजनीतिक अपराध कहलाते हैं। पांचवा है सार्वजनिक अपराध, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना मना है, थूकना मना है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेता है तो वो भी सार्वजनिक स्थानों पर मना है, तो इस प्रकार के अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो सार्वजनिक अपराध कहलाते हैं। छठा है परंपरागत अपराध, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पेशे से ही अपराधी होते हैं, जिनका पेशा होता है चोरी करना, लूटना, तस्करी करना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता रहे, इस तरह का अपराध जो है वो परंपरागत अपराध कहलाते हैं। तो ये थी जानकारी अपराधों के बारे में कि अपराधों को किन किन भागों में किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो सदरलैंड का वर्गीकरण भी हमने पढ़ा और क्विनले और सॉरी क्लीनार और पीने का वर्गीकरण भी हमने आज इसका अध्ययन किया। तो आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।